गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पम्बासा में स्थित सेफ खांसराय गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 20 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर है। लगभग 16,000 की आबादी व 5400 वोटरों द्वारा छिद्दिया को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 1400 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 275 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 84 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 15 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व पानी की टंकी का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 508 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, कब्रिस्तान व तालाब की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार की। ग्राम पंचायत साफ खासराय, ग्राम प्रधान पुत्र मुशाहिद हुसैन। हम जो गांव में मतलब कहने का, हमने बहुत से रास्ते, खरंजे, सीसी टैल्स के रास्ते कराए हैं। स्कूल में शौचालय, सीसी टैल्स, हेड पम्प और हमारा गांव में 508 शौचालय बने हैं। हमारा गांव ODF हो चुका है और जो सरकार से हमें धनराशि मिली है हमने सही जगह इस्तेमाल किया है और हम आगे को भी सही जगह इस्तेमाल करेंगे। और हमने बहुत से काम कराए हैं, हेड पम्प भी सही कराए हैं, नाला निर्माण कराया है करीब 500 मीटर पानी के निकास के लिए और प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं। और आगे की हमारी बड़ी ग्राम पंचायत है, हम जो है सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस ग्राम पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि दी जाए जिससे कि और बाकी काम किए जा सकें। और हमारी ग्राम पंचायत को अभी आवासों की भी ज़रूरत है और कुछ कच्चे रास्ते हैं उनकी भी ज़रूरत है, हैंडपम्पों की ज़रूरत है और लाइटों की ज़रूरत है और नाले की भी ज़रूरत है। इस काम के लिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि प्राप्त की जाए। रहने वाली हूँ, पहले हमारा पुराना मकान था, फिर धान ने सही काम करवा दिया, घर बनवा दिया, हमारा अच्छा काम करवा रहा फिर धान।